जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हमको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है, और अगर डॉक्टर साहब अच्छे रहे तब तो दवा से ही काम निकल जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर साहब का मूड खराब हुआ तब तो फिर इंजेक्शन लगा के ही मारेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा तो अब थोड़ी काम की बात करते हैं। तो आप सभी ने तो देखा ही होगा कि जब भी डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन लगाने से पहले वह इंजेक्शन में मौजूद थोड़ी सी दवाई भी बाहर निकाल देते हैं, और वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इंजेक्शन में मौजूद हवा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर वह ऐसा ना करे और जो भी इंजेक्शन में मौजूद हवा है उसे सीधा ही हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दे, या फिर इंजेक्शन में दवाई की जगह पूरा का पूरा खाली इंजेक्शन इंजेक्ट कर दे तो क्या होगा? तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जानने के लिए बन रहिएगा वीडियो में एंड तक। ऐसा इंजेक्शन जिसमें कि ईयर बबल्स हो या फिर पूरा का पूरा खाली हो, उसमें सिर्फ हवा ही हो, अगर गलती से इस प्रकार का इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगा दिया जाता है तो यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो खून हमारे नसों में दौड़ता है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने से व्यक्ति की जान जा सकती है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इंजेक्शन में जो एयर होता है उसे एयर एम्बुलेंस कहा जाता है। जब हम इन एयर एम्बुलेंस वाले इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तब क्या होता है? तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझे तो मान लिया जाए कि एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा है। अगर इस पाइप में एक छोटा सा पत्थर चला जाता है तो वह पानी के साथ आसानी से पाइप से बाहर निकल जाएगा और इससे पाइप पर कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर यह पत्थर पाइप जितना ही बड़ा हो तो इसे पाइप में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और यदि वह पाइप में फंस जाता है तो पानी पाइप से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक ऐसा ही होता है जब हवा से भरे हुए इंजेक्शन को किसी के शरीर में लगा दिया जाता है। तो जब किसी के नसों में इंजेक्शन देते समय थोड़ा सा हवा चला जाता है तो ठीक पाइप की तरह इसके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यह छोटा सा हवा नसों में से आसानी से बाहर निकल जाएगा। वहीं अगर किसी के शरीर में ज़्यादा हवा इंजेक्ट कर दिया जाए तो यह नसों के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। हमारे शरीर में खून नसों के जरिए बहता है, ये नसें एक तरह का रास्ता होती है ब्लड फ्लो के लिए। लेकिन अगर इस रास्ते में कोई एयर बबल यानी कि हवा आएगा तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर ये एयर बबल हमारे ब्रेन के रास्ते में आ जाए तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, और अगर हमारे दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसे ऑक्सीजन में नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर यह एयर बबल हार्ट तक पहुंच जाता है तो वहां जाकर यह फट भी सकता है। तो अगर आप अगली बार डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले यह चेक कर ले कि डॉक्टर ने इंजेक्शन में मौजूद हवा को अच्छी तरह से बाहर निकाल दिया है, और तभी इंजेक्शन ले। तो गाइस आई होप आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।